नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी उसमें मैं इंडियन नोट्स का टॉपिक कवर करूंगा, जो कि रेयर कैटेगरी के हैं, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जो कि स्पेशल इशू हुए थे अदर कंट्रीज के लिए। अब वो कौन से नोट हैं, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे। आज आपको ऐसे इंडियन नोट्स के बारे में पता चलने वाला है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपके पास भी ऐसे ही नोट पड़े हैं तो वो काफी अच्छी खासी वैल्यू देते हैं, वो रेयर कैटेगरी के नोट है और वो इजिली बिक जाते हैं। कोई भी नोट कलेक्टर हो या आपका एग्जीबिशन में, कहीं भी वो बिक जाएंगे। तो जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है गल्फ कंट्रीज के स्पेशल इशूज जो नोट होते हैं। शायद आप में से काफी ज्यादा लोगों को ना पता हो कि गल्फ कंट्रीज के कौन से नोट हैं वो। तो मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्रीज वो किस किस देशों के लिए इश्यूज हुए थे नोट। तो उसमें दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई जिसको कहा जाता है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, ये सब गल्फ कंट्रीज है। और इसमें जो नोट इशू हुए थे दोस्तों वो काफी स्पेशल नोट थे जो इंडिया की तरफ से इशू हुए थे, जिसमें आपको बता दूं 1 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, ये दोनों रेड कलर में इशू हुए थे दोस्तों। अब 5 रुपए का नोट है वो ऑरेंज कलर में इशू हुआ था, और 100 रुपए का एक नोट इशू हुआ था ग्रीन कलर का। और हज नोट भी आते हैं, लेकिन वो टॉपिक मैं बाद में कवर करूंगा जो हज वाले नोट है। अब कुछ नोट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब ये वाला नोट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 रुपए का नोट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस 1 रुपए की नोट की जो वैल्यू है, मरुधर आर्ट्स में 40,000 रुपये इसकी हैमर वैल्यू रखी गई है। ये जेम यूएनसी कंडीशन का नोट है और ये गल्फ कंट्रीज का नोट है 1 रुपये का। ये दोस्तों काफी ज्यादा वैल्यूएबल नोट है। स्क्रीन पर आप देखें पूरी साफ, इसकी शार्प इमेज आप अच्छे से देखें और इसकी वैल्यू भी आप देखें नीचे डिस्प्ले पर कितनी ज्यादा वैल्यू है इसकी। मरुधर आर्ट्स जो काफी बड़ा एक ऑक्शन हाउस है उसमें इसकी हैमर प्राइस 40,000 रुपये का रखी गई है। जेम यूएनसी कंडीशन का नोट है, ये गल्फ कंट्रीज का नोट है और ये नोट काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब 10 रुपये का एक और नोट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 10 रुपये का अगर आप नोट देखेंगे तो ये भी गल्फ कंट्रीज का नोट है। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू भी करीब करीब 12,000 रुपये से लेके 16,000 रुपये के बीच में इस नोट की वैल्यू है 10 रुपये के। तो जो गल्फ कंट्रीज के जो स्पेशल नोट इशू हुए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, वहां पर पहले क्या था, ब्रिटिश शासन था, तो उनकी अपनी करेंसीज में कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी करेंसीज इशू नहीं हो पाई थी, तो इंडिया ने स्पेशल नोट इशू किए थे इन गल्फ कंट्रीज के लिए। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही गल्फ कंट्रीज के नोट है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे नोट 100% बिक जाते हैं, और अगर आप बेचना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज वाले नोट तो 100% ये बिक जाएंगे। लेकिन गल्फ कंट्रीज में दोस्तों फेक नोट भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो मैंने हज वाले नोट आपको बताए हैं 10 रुपये के, 100 रुपये के, जो हज ये हज वाले नोट जो स्पेशल इशू हुए थे, इनमें भी काफी ज्यादा फेक वैरायटी देखने को मिलती है। ये काफी वैल्यूएबल नोट होते हैं। हज वाले नोट लाखों करोड़ों रुपये में कीमत चली जाती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक हज वाला नोट काफी ज्यादा लाखों रुपए का था, वो बहुत ज्यादा महंगा नोट था वो। तो उसका टॉपिक भी मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो 1 रुपये, 10 10 रुपये, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस घंटी बैल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।